हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट में सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जॉब करना चाहते हो, सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो उसका जो है क्या क्राइटेरिया हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत होती है, बेसिक एजुकेशन आपका क्या होना चाहिए, सेफ्टी के ऐसे कौन कौन से कोर्सेस है यूनाइटेड स्टेट में जिसके बदौलत जो है आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो, इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, फ़ीस आपको कितनी पे करनी पड़ सकती है, और साथ ही साथ हम वहाँ पर यानी कि यूनाइटेड स्टेट में सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जॉब करते हैं तो हमें वहाँ पर कितनी सैलरी देखने को मिलेगी। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिक एजुकेशन के बारे में। अब देखिए कि आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर, तो उसके लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होता ही है, बेसिक एजुकेशन होता ही है। अब ये बेसिक एजुकेशन यानी कि क्या, जैसे कि आपने जो है 10th पास आउट किया, 12th पास आउट किया, BA किया, BCOM किया, ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपने जो है बी किया, तो ये जो है ये आपका क्या है, ये बेसिक क्वालिफिकेशंस है। अब बेसिक क्वालिफिकेशन है ये, यहाँ पर सेफ्टी का कोई भी कोर्स नहीं है बल्कि एक बेसिक क्वालिफिकेशंस है। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट में जॉब करना चाहते हो तो वहाँ पर जो है बैचलर डिग्री जो है हमेशा के लिए जो है रिक्वायर नहीं होती है, लेकिन हाँ ये माना जाता है, ये हाईली रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए ताकि जो है आप सेफ्टी मैनेजमेंट में जो है अच्छा करियर बना सको। तो हम यहाँ पर जो है एग्जांपल लेने वाले हैं इंडिया का, यानी कि इंडिया के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट में जो है जॉब करना चाहते हैं वो भी सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर। तो ये एग्जांपल लेकर जो है हम सारी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। अब इंडिया में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे पहले क्या करना होगा, उसका जो है बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करना होगा। अब बेसिक क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 10th हो गया, 12th BA, BCOM, BE, BSc वगैरह जो ग्रेजुएशन करते हैं वो। अब यूनाइटेड स्टेट के लिए जो है बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आगे में सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन हम यहाँ पर इंडिया में मानते हैं कि आपके पास जो है बैचलर जो है वो डिग्री है, ठीक है, बैचलर डिग्री है, या फिर जो है आपके पास जो है कोई भी BE का जो है आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री आपके पास है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री है, वो चाहे आपकी जो है BSc की हो, ठीक है, BSc का हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, और आपके पास जो है BE या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री है, ठीक है, ये एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें जो है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में जो है जॉब चाहिए सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है 12th है, 12th आपने पास आउट किया तब भी जो है आप यूनाइटेड स्टेट में जॉब कर सकते हो, या फिर आपने जो है प्लेन ग्रेजुएशन किया तब भी आप यूनाइटेड स्टेट में जॉब कर सकते हो, तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा वो मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ। लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री है या फिर जो है BE का डिप्लोमा या फिर डिग्री है, क्योंकि ये जो है हाईली रिकमेंड किया जाता है यूनाइटेड स्टेट में अगर आप करियर बनाना चाहते हो सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर, ठीक है। अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आपके पास जो है बेसिक क्वालिफिकेशन आ गया। अब बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसके बलबूते पर क्या आप यूनाइटेड स्टेट में जो है जॉब कर सकते हो क्या, तो इसका आंसर है नहीं। अब आपको क्या करना होगा, इंडिया में ही इसके बलबूते पर जो भी सेफ्टी के जो कोर्सेस रहेंगे वो आपको जो है करने होंगे। अब सेफ्टी के जो है कई सारे जो है मार्केट में कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप जो है ADS का जो है डिप्लोमा कर सकते हो BSc के बाद, ठीक है, या फिर जो है आपको आप BSc जो है फायर एंड सेफ्टी में वो कर सकते हो, फायर एंड सेफ्टी में जो है BSc कर सकते हो, या फिर जो है आप BTEC कर सकते हो फायर एंड सेफ्टी में, ठीक है। तो ये जो है ये कई सारे जो कोर्सेस है वो आप कर सकते हो। तो ये कोर्सेस कंप्लीट करने के बाद अब आपके पास जो है बेसिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया और सेफ्टी का कोर्सेस भी जो है यहाँ पर आ गया, क्या आप ये जो दोनों क्राइटेरिया हमारे यहाँ पर जो फुलफिल हो गया है इसके बलबूते पर आपको यूनाइटेड स्टेट में सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जॉब मिलेगी, तो इसका आंसर है नहीं। अभी भी जो है आपका एक क्राइटेरिया बाकी है, वो क्या है चलिए आगे जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका बेसिक क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट कर लिया, सेकंड जो स्टेप है वो है सेफ्टी का कोर्सेस कंप्लीट कर लिया। आगे चलते हैं, अब आपको जो है क्या करना है, इसके बलबूते पर जो है कुछ 1 साल का जो है एक्सपीरियंस आपको जो है गेन करना होगा, ठीक है। ये काफ़ी जो है वैल्यूएबल होता है अगर आप यूनाइटेड स्टेट में जॉब करना चाहते हो तो, ठीक है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब आपको जो है एंट्री लेवल में जो भी पोजीशंस मिले, सेफ्टी की पोजीशंस मिले, वो आपको जो है ज्वाइन करनी है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में जाना है, साथ ही साथ जो है बेसिक क्वालिफिकेशन खत्म होने के बाद जो है सेफ्टी का जो है कोर्सेस भी आपने कर लिया है। अब इंट्री लेवल पर जो आपको जो भी जॉब मिलती है इस पोजीशंस सेफ्टी पोजीशंस में जॉब करने के लिए, तो उसको आपको कंसीडर करना है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपको जो है असिस्टेंट की जो है एक हाथ जॉब मिल जाती है असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर की, तो आपको जो है वो ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो ये इंट्री लेवल पर, या फिर आपने जो है इंटर्नशिप भी अगर करी है तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आप कंसिडर करते हैं कि असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है आप यहाँ पर जो है जॉब कर रहे हो, कुछ साल का जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस आ जाता है। अब एक्सपीरियंस जो है वो आपका किसी भी इंडस्ट्रीज़ में हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर हेल्थ केयर में, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। अब इसमें भी जो है प्रायोरिटी है कि कंस्ट्रक्शन में आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी क्या, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा सैलरी मिलेगी या फिर ऑयल एंड गैस में, वो हम आगे में जानने वाले हैं। बस आपको इतना समझना है कि आपको जो है एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर गेन करना है, ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करना है। अब एक्सपीरियंस गेन हो गया आपका, अब आपका जो है ये तीन स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, तीन स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब फोर जो स्टेप है वो है कि अभी आपको यूनाइटेड स्टेट में जॉब करने के लिए वहाँ के यानी कि यूनाइटेड स्टेट के जो भी सेफ्टी के कोर्सेज सर्टिफिकेशन रहेंगे वो आपको कंप्लीट करना होगा। अब यूनाइटेड स्टेट में जो है कई सारे जो है सेफ्टी के सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री आपको देखने को मिलती है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे वो हम आज यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिविजन करा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि आपको जो है बेसिक क्वालिफिकेशन आपका जो है कंप्लीट करना है, ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है। सेकंड जो है फिर उसके बाद जो है आपको इंडिया का जो भी सेफ्टी का कोर्सेस रहेगा वो आपको करना है, क्योंकि सेफ्टी फील्ड में आपको एंट्री करनी है। फिर उसके बाद जो है कुछ साल का जो है आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। अब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद फिर जो है आपको ये चौथी स्टेप करनी है, वो है कि आपको यूनाइटेड स्टेट के जो भी सर्टिफिकेशन रहेंगे वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो फर्स्ट जो सर्टिफिकेशन कोर्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट आईएमपी या फिर आप बोल सकते हो जिसकी ज़्यादा डिमांड है यूनाइटेड स्टेट में, वो है सीएसपी का सर्टिफिकेशंस, यानी कि सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स का सर्टिफिकेशंस। अब ये सर्टिफिकेशंस कौन ऑफर करता है, तो ये ऑफर किया जाता है बीसीएसपी के द्वारा, यानी कि बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के द्वारा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री का जो है एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया था कि आपके पास बैचलर डिग्री अगर रहेगी तो इसके बलबूते पर जो है आपको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। तो बैचलर डिग्री इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ ही साथ जो है 4 साल का आपके पास जो है सेफ्टी का जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, बैचलर डिग्री और 4 साल का एक्सपीरियंस जो हमने पहले ही जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ये जब आपका कंप्लीट हो जाता है तभी जो है आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो जाते हो ये कोर्स करने के लिए। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए कि इसके जो है टाइम वैरीज कर सकता है, आपको जो है कितना समय लगता है प्रिपरेशंस के लिए उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। एग्ज़ाम इसके सर्टिफिकेशन की जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे की होती है। फीस की अगर हम बात करें कि ये कोर्स करने के लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ सकती है, तो वो है $350 से लेकर $450। तो ये जो है ये एग्ज़ाम के लिए होती है। एडिशनल कॉस्ट जो है आपको स्टडी मटेरियल के लिए जो है देना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो है आप ये कोर्स अगर कंप्लीट करते हो तो इसके बलबूते पर जो है यूनाइटेड स्टेट में सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है जॉब कर सकोगे। अब ये कैसे करना है, आगे की क्या स्टेप रहेगी, वो मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ। अब हम जानते हैं सेकंड सर्टिफिकेशन के बारे में। अब कोई कैंडिडेट्स है कि जो सीएसपी का कोर्स नहीं कर सकता है तो वो दूसरा कोर्स कर सकता है जो है एएसपी यानी कि एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल्स। तो ये भी जो कोर्स है ये ऑफर किया जाता है बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के द्वारा, यानी कि बीसीएसपी के द्वारा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन बैचलर डिग्री के साथ साथ जो है 1 साल का सेफ्टी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। 1 साल का अगर सेफ्टी का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप जो है एएसपी का कोर्स कर सकते हो, 4 साल का जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है सीएसपी का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो वही है कि आपको प्रिपरेशन के लिए कितना समय लगता है वो इसके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और इसके लिए एग्ज़ाम जो रहेगी वो 3 घंटे की रहने वाली है। फीस की अगर हम बात करें तो $300 से लेकर $400 जो है एग्ज़ाम फीस होती है। एडिशनल कॉस्ट जो है वो आपको पे करनी पड़ सकती है स्टडी मटेरियल के लिए। तो ये आप कर सकते हो, यानी कि जो कैंडिडेट सीएसपी कोर्स
नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए जो है एएसपी कोर्स वो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपको जो है सीएसपी को देना है, सीएसपी अगर नहीं कर सकते तो आपको एएसपी ये कोर्स करना होगा यूनाइटेड स्टेट में जॉब करने के लिए। अब मानते हैं कि ये दोनों कोर्स आप नहीं कर सकते हो और आपका जो क्वालिफिकेशंस है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री नहीं है, बैचलर डिग्री यानी कि बीएससी हो या फिर बीए बीकॉम वाली या फिर बी आपने नहीं किया है, तो ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो क्या आप यूनाइटेड स्टेट में जॉब नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो उसके लिए जो है अलग से जो है ऊषा के भी जो है सर्टिफिकेशन आते हैं वो आप कर सकते हो। तो ये ऊषा का जो सर्टिफिकेशन है ये ऊषा के द्वारा जो है ऑफर किया जाता है, यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है ऑफर किया जाता है। कोर्सेज जो है जो सेफ्टी में यहाँ पर काफ़ी फेमस है वो है ऊषा का 10 हावर्स सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कोर्स और 30 हावर सेफ्टी 30 हावर का जो है ऊषा का कोर्स आता है, ये आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए भी जो है कोई भी ऐसा स्पेसिफिक जो है क्राइटेरिया नहीं है कि आपका जो है बीएससी बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए, ऐसा कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि जिन्होंने 12th पास भी किया है वो भी इसको कर सकते हैं या फिर जिन्होंने बीए या फिर बीकॉम किया है वो भी जो है कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए जो है ओपन है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ऊषा 10 हावर्स जो कोर्स है उसके लिए आपको 102 दिन में या आप कंप्लीट कर सकते हो और ऊषा 30 हावर का जो कोर्स है वो आप 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। फीस की अगर हम बात करें तो 200 से लेकर $500 जो है आपको यहाँ पर पे करने पड़ सकते हैं। अब ये भी डिपेंड होता है कि जो कोर्स प्रोवाइडर है उनके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये थर्ड कोर्स कर सकते हो। अगर आप सीएसपी नहीं कर सकते हो या फिर एएसपी अगर नहीं कर सकते हो तो फिर उसके बाद का जो आपके पास ऑप्शन है वो है ऊषा का सर्टिफिकेशन, ठीक है। और एक सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो यूनाइटेड स्टेट में जॉब के लिए, वो है निबोश का सर्टिफिकेशंस जो ऑफर किया जाता है नेशनल एग्जामिनेशंस बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। कोर्सेज जो है वो अब निबोश के भी जो है कई सारे कोर्सेज हैं, लेकिन इसमें से जो काफ़ी ज़्यादा फेमस जो कोर्स है वो है निबोश का IGC कोर्स, ठीक है। ये निबोश का जो है IGC कोर्स जो है आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि हमने ऊषा के लिए देखा था, ठीक है। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपको सेफ्टी प्रैक्टिसेस की जो है होनी चाहिए ताकि एग्जाम के वक्त जो है आप इसको इजीली पास कर सकोगे। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 10 से 15 दिन का जो है इसके लिए समय लग सकता है। फीस की अगर हम बात करें तो $1,000 से लेकर $1,500 जो है आपको यहाँ पर पे करने पड़ सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 4 कोर्सेज हमने यहाँ पर देखे हैं अगर आप यूनाइटेड स्टेट में जो है जॉब करना चाहते हो सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर। पहला है सीएसपी का, इसको आपको प्रायोरिटी देनी है। ये अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आपको एएसपी का कोर्स करना है। ये अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर जो है आप निबोश का जो है कोर्स कर सकते हो, निबोश का सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। ये अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर जो है आप ऊषा का जो है कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे प्रायोरिटी देनी होगी। अब जब आपके पास ये सर्टिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, तब अभी आपका जो है फुलफिल जो है क्राइटेरिया हो जाएगा। अब क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, अब आपको जो है जॉब तलाश करनी होगी, यानी कि अभी जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। अब कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए कि मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि एजुकेशन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो फर्स्ट स्टेप जो है आपने कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद जो है आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया और सर्टिफिकेशन भी आ गया। सर्टिफिकेशन जैसे कि ऊषा का सर्टिफिकेशन, निबोश का हो, ESP या फिर CSP हो, ये आ गया। अब ये तीनों जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तभी जो है आप सेफ्टी ऑफिसर के पोजीशंस के लिए जो है अप्लाई कर सकोगे यूनाइटेड स्टेट के लिए, ठीक है। अब जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास जो है आपका रिज्यूम होना चाहिए, साथ ही साथ उसका कवर लेटर भी जो है आपको प्रिपेयर करना होगा। अब कवर लेटर क्या होता है, कैसा होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर कवर लेटर का जो है फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जॉब कैसे तलाश करोगे आप, तो कई सारे जो है ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहाँ पर जो है आपको जॉब देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप इंडीड के ऊपर जो है जॉब तलाश कर सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर जॉब तलाश कर सकते हो, या फिर कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ से भी जो है आपको जॉब की तलाश आप कर सकते हो, या फिर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उनकी भी जो है आप मदद ले सकते हो जॉब के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, आप नए हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है hscstudyguide.com। तो इस वेबसाइट के ऊपर भी जो है हम आपको जो है जॉब की जो अपडेट्स है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को जो है
विजिट नहीं किया है तो एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पर जो है जॉब का सेक्शन है, उसमें जो है आपको जो भी जॉब्स की अपडेट रहेगी वो आपको डेली के डेली जो है प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे जो है यहाँ पर आप जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हो, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट में ही जो है आप जॉब क्यों करना चाहोगे या फिर क्यों करना चाहिए, तो ये क्वेश्चंस हर किसी के मन में आता है। तो देखिए कि कोई भी पर्सन जो है जॉब करना चाहता है क्योंकि वो उसको जो है सैलरी तनख्वाह जो है वो ज़्यादा मिले। इंडिया में अगर वो जॉब करते हैं तो उनको जो है जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट के कंपैरिजन में जो है काफ़ी कम सैलरी देखने को मिलती है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में अगर आप जॉब करोगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी। एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो $80,000 से लेकर $90,000 सालाना जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इनिशियली स्टेज से लेकर यानी कि $55,000 से लेकर $1,20,000 तक जो है आपकी सैलरी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, एक्सपीरियंस आपको कितना है उसके ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। अगर लोकेशन वाइज अगर हम सैलरी की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पेइंग ऐसे स्टेट है यूनाइटेड स्टेट में जहां पर आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है जो है कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, यहां पर जो है आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है। अगर ऐसे भी स्टेट है वहां पर जहां पर आपको जो है कम सैलरी देखने को मिलेगी कंपैरिजन टू कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और टेक्सास, वो है मिसिसिपी या फिर आर्कनास और वेस्ट वर्जीनिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको कम सैलरी देखने को मिलेगी कंपेयर टू कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और टेक्सास। अब इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो इंडस्ट्री के ऊपर भी जो है डिपेंड होती है आपकी सैलरी। अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर को ज्वाइन करते हो, वहाँ पर जॉब करते हो, तो आपको जो है ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है कंपैरेटिवली कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन में भी जो है आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो वहाँ पर आपको कम सैलरी देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको जो है काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर देखने को मिलती है कंपेयर टू इंडिया। इसलिए जो है ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वो चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में सिफ्टी ऑफिसर के तौर पर वो काम करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि यूनाइटेड स्टेट में आपको अगर जॉब करना है सिफ्टी ऑफिसर के तौर पर तो आप कैसे कर सकते हो, उसका सारा क्राइटेरिया हमने यहाँ पर जाना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।